हाँ जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज विदर्शित में। जैसा कि आप सभी को पता है, 10वीं और 12वीं दोनों क्लासेस का जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है। अब जो है वो काफ़ी सारे मेरे पे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट बॉक्स में काफ़ी लगातार मेरे कमेंट बॉक्स इसी एक ही मैसेज में भरा पड़ा है। एक ही जो है सबका कॉमन डाउट है कि कुछ बच्चे एक सब्जेक्ट में, कुछ दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, चार सब्जेक्ट में, पाँच सब्जेक्ट में ऐसे फेल हो गए, तो अब वो क्या करें। तो उनके मन में जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, सब बच्चे पैनिक कर रहे हैं। और मतलब सबसे पहले तो मैं आपको बात बता देता हूँ, अगर आप जो है वो कितने भी सब्जेक्ट में फेल हो, सबसे पहले आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका साल ख़राब नहीं होगा। कैसे नहीं होगा उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा। 3 महीने के अंदर आप पास हो जाओगे, कोई ये फेक वीडियो नहीं है। पिछले साल भी 20 से 25 बच्चों को जो है ये मैंने इसे इस तरीके से जो है वो बच्चे पास हुए हैं। और लास्ट टाइम जो है वो मतलब मैं केवल एक हमारा चैनल ही ऐसा था जिसने कंपार्टमेंट वाले बच्चों को काफ़ी सपोर्ट किया और उनको जो है वो हर जो वो चीज़ प्रोवाइड करी जो उनको नहीं पता थी। जो मैं आपको इस वीडियो में जो आपको मेथड बताऊँगा, तरीका बताऊँगा, ये 100% जेन्युइन तरीका है, ऑफिशियल तरीका है। लेकिन स्कूल वाले या और बाहर का कोई भी इस तरीके को नहीं बताएगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप जो है वो इस तरीके से आप अपने कम पैसों में आप अपनी पढ़ाई कर ले। वो ये चाहेंगे कि भाई उनके उनके संस्थान से आप दोबारा जो पूरा साल अपना वेस्ट करके दोबारा पढ़ाई करके अगले साल पेपर दें। लेकिन भाई मेरा कोई आपका मोटिव ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपसे पैसे कमाऊं, क्योंकि आपके जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। अगर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, 100-200 के आसपास व्यूज़ आते हैं, जिसमें कोई भी अर्निंग नहीं होती। इस वजह से बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आपकी हेल्प नहीं करते। पर मेरा चैनल जब से मैंने बनाया था तो मेरा एक ही मेन मोटिव था कि भाई आपकी हेल्प हो। तो चलिए अब ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधा आपकी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जिनकी कंपार्टमेंट आई है, हाँ जी, जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल है, जिनकी कंपार्टमेंट आई है, जिनके रिजल्ट पर COMP, हाँ जी COMP जिनके रिजल्ट पर लिखा हुआ है, उनको क्या करना है उनको मैं आप बता देता हूँ। आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय है। जुलाई के अंदर जो है वो हरियाणा बोर्ड आपका एग्ज़ाम लेगा, जून एंड में या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में जो है वो आपका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एग्ज़ाम लेगा। और कंपार्टमेंट के फॉर्म भी अभी जो है वो जल्दी शुरू हो जाएंगे। कंपार्टमेंट के फॉर्म जैसे शुरू होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आपके पास जो है वो 3 चांसेस होंगे, एक चांस जो है वो आपको जुलाई के अंदर ही दिया जाएगा, दूसरा चांस आपको सेप्टेम्बर के अंदर और तीसरा चांस आपको मार्च के अंदर दिया जाएगा। आप आगे जो है वो अपनी उसमें एडमिशन ले सकते हैं, 12th वाले आगे कॉलेज में, और जो 10th वाले वो आगे 11th क्लास में अपना एडमिशन ले सकते हैं। जिनका रिजल्ट कंपार्टमेंट आया है उनको जो है वो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उनकी जो 3, 4, 5 या कितने भी सब्जेक्ट में फेल है, जिनका रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, हाँ जी, जिनका रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये बोलेंगे कि आप फेल हो गए हैं और आपको दोबारा करनी पड़ेगी, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा बोर्ड ने जो है वो एक स्कीम शुरू कर रखी है, CTP, हाँ जी, क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी, CTP। CTP के अंदर क्या है, जिन भी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो, हाँ जी, जिन भी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो, आपको उन्हीं सब्जेक्ट के जो है वो फॉर्म भरने हैं। ये फॉर्म जो है वो आपके एग्ज़ाम जो सितंबर में होंगे और ये फॉर्म जैसे ही निकलेंगे जुलाई अगस्त के आसपास इसके फॉर्म निकलेंगे तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। CTP के अंदर क्या होगा, आपको जो है वो सितंबर के अंदर आपको जिन भी सब्जेक्टों में फेल हुए उनको एग्ज़ाम देने होंगे और आप जो है वो मतलब उन एग्ज़ाम को क्लियर कर कर आप जो है वो हरियाणा ओपन स्कूल से जो है वो अपनी DMC जो है वो ले सकते हो। केवल आप को उन्हीं सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिनमें आप फेल हुए हो। इसके अंदर आपको जो है वो लगभग 3 से 6 चांसेस मिलेंगे CTP के अंदर। हर साल जो है वो हर 6 महीने में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, लगभग काफ़ी टाइम है, तो आप जो है वो मतलब अपना क्लियर कर सकते हो। अगर जिसके अंदर जो है थोड़ी सी ज़्यादा ललक है पढ़ने की तो वो जो है अभी भी लगभग 3 से 4 महीने का समय है, इनमें जो है वो आप ट्यूशन वगैरह लगाकर या फिर जो है वो मैं जल्दी आपके लिए एक स्ट्रेटजी प्लान वीडियो लेकर आया हूँगा। हम जो है मैंने पिछले साल लगभग 25 से 30 बच्चे मेरी अंडर गाइडेंस थे, वो लगभग सभी पास हो गए हैं। और क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है हरियाणा बोर्ड का कि किस हिसाब से जो है वो मतलब किस हिसाब से पेपर आता है, कंपार्टमेंट का क्या हिसाब है, तो लगभग सारा कुछ जो है वो मतलब एक प्रेडिक्टेबल है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपकी मेरिट दिलवा दूँगा, पर इतना है कि भाई इस सिचुएशन से बाहर निकाल कर आप जो है वो पास हो सकते हो। तो लास्ट टाइम भी जो है वो आप देखेगा पिछले साल की प्लेलिस्ट निकाल लेना, किसी भी यूट्यूबर ने जो है कंपार्टमेंट के बाद की कवरेज नहीं करी इतनी अच्छी तरीके से जितनी नॉलेज दर्शी चैनल ने आपको पल पल की अपडेट और पल पल हर टाइम गाइडेंस दी।
तो सबसे पहले आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका साल नहीं ख़राब हुआ है। जिन भी सब्जेक्ट में फेल हो, सबसे पहले आप क्या करो जो है वो आप अपना चाहे एक ट्यूशन वगैरह लगा लो। आप जो है वो बिल्कुल, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, आप हरियाणा बोर्ड में भी जो है वो संपर्क कर सकते हो। हरियाणा बोर्ड में भी आप जो है पूछ सकते हो कि भाई CTP क्या है, वरना आप जो है वो गूगल कर लेना HVSC CTP के नाम से, आपको जो है वो सारी सच्चाई पता चल जाएगी। सेप्टेम्बर और मार्च दो टाइम में जो है वो इसके एग्ज़ाम होंगे, और आप जो है वो जितने भी सब्जेक्ट में फेल हो उसमें जो है वो आप भरकर और अपना एग्ज़ाम जो है वो आप CTP के थ्रू क्लियर कर सकते हो। तो ये जो है वो मतलब ये बातें आपको लगभग कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो सब अपना अपना फ़ायदा देखता है, पर मेरा आपसे कोई पैसे उसका मोटिव नहीं है। तो अगर आपको कोई ये बोले कि भाई अगर आप ये चाहते हो कि मेरे को भी दोबारा 10th करनी है, तो वो आपकी मर्जी, आप दोबारा स्कूल से 10th कर सकते हैं, वरना CTP बेस्ट ऑप्शन है। जितने भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए केवल उन्हीं सब्जेक्ट का आप अपना एग्ज़ाम दे देना, या इस साल सितंबर में दे देना, या अगले साल मार्च में जो है वो अपना एग्ज़ाम देकर क्लियर कर सकते हैं। मेरे खुद पर्सनली जो है वो 2-3 फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी ऐसे CTP से एग्ज़ाम देकर जो है वो क्लियर करा था। तो आई होप आप सभी को जो है ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई मैं जो जानकारी देता हूँ वो बच्चों तक सही तरह से पहुँच रही है। अगर आप जो है वो मतलब आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट है, तो मेरी Instagram ID @officialharshijain पर भी आप जो है वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं तुरंत आपका जो है वो रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।